मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में स्वतंत्रता दिवस आजादी पर्व के पहले पुलिस प्रशासन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। देश पर यात्रा में शामिल पुलिस जवानों, एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चों और अधिकारियों ने लोगों को तिरंगा के प्रति जागरूक कर देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी घोड़े पर सवार होकर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लोगों को संदेश दिया, तो वहीं स्कूल के बच्चों के साथ पुलिस के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे लगाए। साथ ही तिरंगा यात्रा में पुलिस बैंड पर देशभक्ति गीतों ने उत्साह भर दिया। इस तिरंगा यात्रा में डीआईजी नवनीत भसीन, एएसपी गुरुप्रसाद पारसर, जयंत राठौर सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज 13 अगस्त को फाइनल ड्रेस रिहर्सल हमारी परेड की थी। इसके बाद हमारे सभी साथियों ने, पुलिसकर्मियों ने, अश्वदल ने, एनसीसी के बैंड ने, इन सभी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली पूरे शहर में। कल 14 अगस्त को स्कूल के बच्चों के साथ और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी पुनः ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। उज्जैन शहर के तराना में शासकीय स्कूल को टूटने से बचाने के लिए भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से लोगों ने बताया कि सन 1973 में स्कूल का निर्माण हुआ था और जिस जमीन पर स्कूल बनवाया गया उस जमीन मालिक को दूसरी जमीन दे दी गई, लेकिन जमीन आज भी उसी के नाम पर होने की वजह से जमीन का मालिक स्कूल पर कब्जा करना चाहता है, जो अब स्कूल को तोड़ने भी लगा है। वहीं लोगों ने कलेक्टर से कहा कि अगर स्कूल टूट गया तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। हम आए तराना से आए हैं, उज्जैन जिला का है हम, और हमारा सरकारी अधिकार चाहिए हमारे को, और सरकारी स्कूल टूटे नहीं, जिसका पहले स्कूल बनना चाहिए हमारा। और रास्ता हमारे पानी की टंकी पे भी रोक हो रही है, हमारा रास्ता भी, रास्ता की भी रोक हो रही है, और सरकारी निर्माण पानी का था वो भी उन्होंने रोक रखा है बड़े लोगों ने। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, हमारी समस्या है। हम ग्राम मालीखेड़ी तहसील तराना से आए हैं। हमारे यहाँ सन 1973 में स्कूल का निर्माण किया गया था, इसके बदले ये जमीन जो दी थी उस व्यक्ति को दूसरी जमीन दे दी गई थी, परंतु वो ये जमीन आज उसी के नाम से आ रही है, तो वो कब्जा करना चाहता है। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हमने माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। जमीन लगभग 2-3 बीघा है, हमारी ये मांग है कि उस जो वहाँ पर स्कूल संचालित हो रहा है वो टूटे नहीं, अगर वो टूटता भी है तो उसके पहले नई बिल्डिंग बना के दे शासन, ये हमारी प्रमुख मांग है।